जेएलकेएम आज जारी करेगी उम्मीदवारों की दूसरी सूची। 3 अक्टूबर को जेएलकेएम ने पहली सूची में 6 उम्मीदवारों की घोषणा की थी। वहीं जेएलकेएम जेडीकेएस सुप्रीमो जरा मत खुद जारी करेंगे लगभग 15 सीटों पर प्रत्याशियों की सूची। पारसनाथ की तलहटी में बैठक के बाद देर रात तय किए गए हैं उम्मीदवारों के नाम। धनबाद के सर्किट हाउस में आज दोपहर 1 बजे जयराम महतो करेंगे प्रेस वार्ता। पार्टी के प्रधान महासचिव फरजान खान और संसदीय बोर्ड के सदस्य रहेंगे मौजूद। इसकी जानकारी केंद्रीय प्रवक्ता सुशील मंडल ने पत्र जारी कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जेडीकेएस आज जारी करेगी प्रत्याशियों की दूसरी सूची। 3 अक्टूबर को पहली सूची जारी की गई थी जिसमें 6 प्रत्याशियों के नाम थे और आज जयराम महतो खुद 15 प्रत्याशियों के नाम जो है वो घोषित करेंगे। तो धनबाद के सर्किट हाउस में आज दोपहर 1 बजे जयराम महतो प्रेसवार्ता करेंगे। वहीं पार्टी के प्रधान महासचिव फरजान खान और संसदीय बोर्ड के सदस्य रहेंगे मौजूद। इसकी जानकारी केंद्रीय प्रवक्ता सुशील मंडल ने प्रेसवार्ता कर दी है। आपको बता दें, पारसनाथ की तलहटी में बैठक के बाद देर रात ये तय किया गया है उम्मीदवारों का नाम और आज दोपहर 1 बजे धनबाद के सर्किट हाउस में जयराम महतो प्रेसवार्ता करेंगे। इस दौरान पार्टी के प्रधान महासचिव फरजान खान संसदीय बोर्ड के सदस्य मौजूद रहेंगे जिसकी जानकारी केंद्रीय प्रवक्ता सुशील मंडल ने पत्र जारी कर दी है। वक्त की बड़ी खबर, तो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के जेबीकेएसएस ने कमर कस ली है। जहां 3 अक्टूबर को पहली सूची जारी की गई थी और आज यानी कि 10 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे दूसरी सूची जारी की जाएगी। और इस पर अधिक बात करने के लिए आपको बता दें कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं सुशील मंडल, केंद्रीय प्रवक्ता जेबीकेएसएस के। सुशील जी, जिस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है, किसी भी वक्त चुनाव का ऐलान किया जा सकता है, ऐसे में आपकी जो पार्टी है सबसे पहले प्रत्याशियों का ऐलान कर रही है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से जो नतीजे देखने को मिले थे लोकसभा चुनाव में, जो यहां पर वोट परसेंटेज मिला था जेबीकेएसएस, तो कहीं ना कहीं आपका मनोबल बढ़ा हुआ है, इसलिए सबसे पहले आप जो है प्रत्याशियों की यहाँ पर सूची जारी कर रहे हैं। अनिकेत जी जोहार, तमाम झारखंड वासियों को सुशील मंडल का जोहार। देखिए, आज अब्राहम लिंकन जी ने कहा था कि डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, पर उन्होंने एक शब्द छोड़ दिया था उसमें, फॉर द कॉमन पीपल, ऑफ द कॉमन पीपल एंड बाय द कॉमन पीपल। और इसको परिभाषित करने के लिए आज जयराम जी ने जो मोर्चा खोला है वो झारखंड आज कहीं ना कहीं जो पिछले 24 वर्ष से जो शोषित पीड़ित वंचित था और उसी को आज झारखंड को हक अधिकार दिलाने के लिए जब हम निकल पड़े हैं, और इस क्रम में जब हम निकल ही चुके हैं तो लेट और देरी किस बात की। आज लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के पास हमारे पास जनबल तो था पर व्यवस्थित जनबल नहीं था। आज हमारे पास पूरा सिस्टम तैयार है, हमारी ग्राम कमेटी से लेकर प्रखंड कमेटी से लेकर बूथ कमेटी तक तैयार है। तो अब हम देरी नहीं करके शंखनाद कर चुके हैं। महालया के दिन जिस दिन कलश स्थापना था उस दिन पहली सूची हमने जारी की थी और आज महाअष्टमी के दिन हम दूसरी सूची के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा कि कहीं से कम शुरुआत जो है आपके तरफ से की जा रही, कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव में जो परिणाम सामने आया था, कहीं ना कहीं मनोबल काफी बढ़ा हुआ है। कहते हैं ना कि ठोकरों से सीख मिलती है, जिस तरीके से उसमें काफी कुछ समझ में आया होगा जिसका परिणाम जो है अब काफी बेहतर देखने को मिलेगा आगामी विधानसभा चुनाव में। हाँ जी हाँ अनिकेत जी, जिस प्रकार का हमें जन समर्थन, लगभग 8.5 लाख का जन समर्थन इस झारखंड वासी ने दिया था, उसका कहीं ना कहीं हमारा मनोबल और झारखंड वासियों का भी मनोबल, जो पिछले 24 वर्ष से शोषित पीड़ित थे उनका भी मनोबल बढ़ चुका है और इस बार हमारे पक्ष में नतीजा आने के लिए पूरा झारखंड इंतजार कर रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन एक सवाल मेरा है, जिस तरीके से मेरा क्या सभी का सवाल है, जेबीकेएसएस की जब भी मीटिंग होती है वो पारसनाथ के तलहटी में होती है, ऐसा क्या कुछ खास है? देखिए, हमारी पहचान टाइगर जयराम के पहाड़ से, हमारी पहचान पारसनाथ पहाड़ से है। हम अपनी जो हमारी अस्तित्व है और हमारी जो अस्मिता है उसको हम खोना नहीं चाहते हैं। हमारी जिससे पहचान है हम वहीं पर मीटिंग करते हैं और कहीं ना कहीं आप प्रकृति के साथ जितना जुड़ाव रखिएगा, आप जमीन से जुड़े हुए उतना ही आप कॉमन, मैंने जैसे कहा कि कॉमन पीपल की जो आम जनता की जो राजनीति है वो करने के लिए जेबीकेएसएस निकली है और उसके लिए हम पारसनाथ पहाड़ को चुनते हैं। जी सुशील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज आपको बता दें कि जेबीकेएसएस अपनी दूसरी सूची जारी करने वाली है। आपको बता दें, 3 अक्टूबर यानी कि मालिया के दिन पहली सूची जारी की गई थी जिसमें 6 प्रत्याशियों के नाम थे और आज बताया जा रहा है कि लगभग 15 प्रत्याशियों के नाम जो है जयराम महतो आज सबके सामने रखेंगे दोपहर 1 बजे।